गाइस ये देखो, ये जो हमारे 50 रुपीस की जो करेंसी है, इंडियन करेंसी है, ये जो नोट है, इस पे ये देखो ये लिखा भी हुआ है हम्पी। छोटे से अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, हम्पी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये रहा वो, बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज हीना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो मैं फाइनली आ चुकी हूँ हम्पी। आई होप कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि मैं गोवा से हम्पी किस तरह आई एंड हम्पी आने के और भी क्या तरीके, क्या टाइम लगता है हम्पी पहुंचने में, आप किन तरीकों से आप पहुंच सकते हैं हम्पी, क्या टिकट प्राइस होती है। मैं आई थी बस के थ्रू, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें कि आप हम्पी पहुंच के जा सकते हैं। तो आज है मेरा डे वन इन हम्पी एंड मैंने सबसे पहले आपको देना है इस होम स्टे का टूर जहाँ पे मैं रुक रही हूँ हम्पी में। बहुत ही प्यारा होम स्टे है, यहाँ के जो होस्ट है बहुत ही प्यारे है, बहुत ही लवली फैमिली है जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ, प्लस ये बजट स्टे है। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करें एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, ये बिल्कुल फ्री है। एंड वीडियो को लाइक भी कर देना अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा बजट स्टे होने वाला है, तो यहाँ के जो प्राइस है बिल्कुल जेन्युइन है। एंड यहाँ पे आपको एसी नॉन एसी रूम दोनों मिलेंगे। प्राइसेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं एंड इस प्रॉपर्टी का नाम है अभी होम स्टे। एंड ये जो प्रॉपर्टी है ये लोकेट करती है सेंटर में, आई मीन यहाँ से जितने भी टेम्पल्स हैं या देखने की जगहें हैं, टूरिस्ट प्लेसेस है, वो पास ही पड़ता है। प्लस यहाँ पर इनका वाईफाई भी है इनकी प्रॉपर्टी पर। एंड यहाँ पर हम्पी में गाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है ही है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। यहाँ पे BSNL अच्छा चलता है बट एयरटेल और जियो के सिग्नल कहीं कहीं आपको नहीं मिलते हैं। तो इनके खुद का वाईफाई है, खुद की यहाँ पे फाइबर डली हुई है, तो अगर आपको यहाँ पे वाईफाई या फिर इंटरनेट यूज़ करना है उसके लिए ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये प्रॉपर्टी मेरी रिकमेंडेशन पर यहाँ पर आप ज़रूर स्टे कर सकते हैं। एंड आपको प्लस यहाँ पर घर का होमली फूड भी मिलेगा जो कि आप देखेंगे आगे वीडियोज़ में। तो यहाँ का बहुत ही अच्छा मुझे इन्वायरमेंट लगा, टेरेस भी बहुत अच्छा था एंड प्लस पूरी घर वाली फीलिंग थी। तो गाइस, ऊपर इनके ये रूम्स थे एंड ये नीचे इनका ये लिविंग रूम है, मतलब जहाँ पे बेसिकली आप ब्रेकफास्ट, लंच ये सब कुछ कर सकते हो। ये इनके बेटे हैं, हाय करो, शुरुआत करो, हाय करो। ये बेटे हैं मतलब जिन अंकल के यहाँ पे मैं, मतलब जिनका ये होम स्टे है उनके बेटे हैं। एंड ये उनकी वाइफ हैं जो अभी खाना ला रही है, मतलब ये ब्रेकफास्ट में कर रही हूँ। एंड लुक एट दिस यम्मी इडली सांभर एंड साथ में नारियल की चटनी, ओ माई गॉड। एंड आई एम डैम श्योर दिखने में इतनी अच्छी है तो ये खाने में भी इतनी अच्छी होगी। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे पूरा होमली फील है, बिल्कुल घर के जैसे मेंबर खाना खा रहे हैं। अंदर आऊं? ओके, तो बिल्कुल घर की जैसी फील है एंड ये घर में जैसे खाना बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, जैसे खुद जो खुद खाएंगे वही आपको खिलाएंगे। एंड ये दादी जी है, हाय कर दो, हाय हाय। चलो बढ़िया, तो ये खाना साथ साथ बन रहा है एंड यहीं पे हम खाना खा भी लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे लोग हैं। बात ये है ना कि हॉस्पिटैलिटी बहुत मैटर करती है, चाहे जो मर्जी हो यहाँ का, जो यहाँ की जो वाइब है पूरी घर वाली है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाहर से आ रहे हो। एंड घर का खाना, आई जस्ट लव घर का खाना। और क्या ही सही होता है हम जैसे बैकपैकर्स को, हम जैसे ट्रैवलर्स को। गाइस, दिस इडली सांभर, आई डोंट नो मैं इसकी कैसे तारीफ करूँ, मतलब मुझे नहीं पता। जो हम नॉर्थ साइड खाते हैं ऑथेंटिक तो नहीं होता सांभर, देखो वो यहाँ पर ही आपको ऑथेंटिक सांभर मिल सकता है एंड इट टेस्ट लाइक हेवन। गाइस, ब्रेकफास्ट करके अब मैं जा रही हूँ अपनी पहली लोकेशन की तरफ हम्पी में। एंड मैंने यहाँ पे किया है फोटो हायर, मतलब पूरे दिन के लिए। हम्पी में ये सीन है कि आपको यहाँ पे एक्टिवा वगैरह रेंट पे नहीं मिलती है, बाईसाइकिल्स मिल सकती है, बट आई थिंक मुझे बाईसाइकिल में प्रॉब्लम ही आएगी बिकॉज मैं शूट पे करना है। एंड तो मैंने सोचा कि एक पूरे दिन के लिए ऑटो हायर करते हैं। एंड इसका क्या प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। बाकी जो भैया है जिनके साथ मैंने ये ऑटो हायर किया वो भी बड़े कमाल के हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, तो मुझे आई थिंक जगह कवर करने में इजी होने वाला मेरे लिए। बाकी देखते कैसे चलता है, चलो मेरे साथ। तो ये हैं भैया जिनके साथ मैं आज पूरा दिन घूमने वाली हूँ। आपका नाम क्या है? दुर्गा। ओके दुर्गा जी, तो आप हम्पी से ही हो, राइट? तो आज आप मुझे घुमाने वाले हो पूरे दिन के लिए।
गाइस मैंने ये ऑटो हायर किया था 1000 रुपीस में। ये स्टार्ट करेंगे प्राइसेस आपको कुछ 1200 से, बट थोड़ी सी बार्गेनिंग करने पे ये 1000 में मान गए थे बिकॉज मैं सिंगल पर्सन थी। बट अदरवाइज़ अगर आप मानिए कि ये दो या तीन जने हो ऑटो में, सिर्फ दो तीन जने बड़े आराम से आ सकते हैं, तो आपको बहुत सही प्राइस पे पड़ जाएगा वो ऑटो का पर दिन का रेंट, क्योंकि वो प्राइसेस पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन। आपको एक तो लोकल गाइड भी साथ में मिलेगा, एंड प्लस अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए भी ये भैया बहुत हेल्पफुल थे। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इनको भी रीच कर सकते हैं जब भी अगर आपने हम्पी आना है और हम्पी में विद इन ट्रैवल करना है, विद इन सारी जगह घूमनी है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सेव कर लीजिए। Guys, we are at the first place which is called Virupaksha Temple. एंड इस Virupaksha Temple की भैया बताते हैं कि कोई एंट्री चार्ज नहीं है, एंड टोटल कम से कम 40 से 45 मिनट 40 to 45 मिनट्स आपके लग जाएंगे इस पूरे प्लेस को घूमने के लिए अंदर से। तो गर्मी है बट मैंने पूरा कवर कर रखा है कि टैनिंग थोड़ी ना हो। Guys, the very first place on the very first day that you should cover in Hampi is Virupaksha Temple, and ये यहाँ की main highlight है। अंदर से ये temple बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, and सबसे पहले आपको यही cover करना चाहिए। Guys, अंदर दर्शन करके मैं आ गई, अंदर videography photography allowed नहीं थी तो मैंने नहीं video shoot करा, but अंदर जो मूर्ति थी Virupaksha जी की बहुत सुंदर थी, मतलब बहुत ही magical place जैसे लग रहा था, बहुत ही अच्छी vibes है। अरे मंदिर काफी बड़ा है ऐसे तो, बहुत ही बड़ा है। गाइस ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं इसका नाम है नारिश्मा स्टैचू, एंड ये हम्पी का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है, सबसे बड़ा स्टैचू, तो इसको तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड ये जो है लायन फेसिक स्टैचू उसको बोलते हैं। थर्ड प्लेस विच इज अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, मेरे पीछे लिखा हुआ है ये देखिए, अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल है ये। इसे अंडरग्राउंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो शिवा जी की मूर्ति है, जो बेसिकली टेम्पल है, वो अंडरग्राउंड है, एंड यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। गाइस ये जो टेम्पल है ये पूरा ही अंडरग्राउंड है, कि इतना अंडरग्राउंड कि आपको वहाँ बिल्कुल भी कोई लाइट का सोर्स नहीं मिलेगा। तो अंदर जाके बिल्कुल अंधेरा था, कोई मतलब सही से वीडियो नहीं बन पाई थी, बट यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। तो डेफिनेटली जब भी आप लाइव इस टेम्पल को देखेंगे आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो ये भी आप अपनी आइटनरी में इंक्लूड ज़रूर करिएगा। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू द थर्ड प्लेस, जहाँ पे हमारी दो मेन चीज़ें कवर एक साथ ही होगी, एक है लोटस महल और दूसरा है एलिफेंट स्टेबल, और यहाँ की एंट्री टिकट है वो है 40 रुपीज़। सो पीपल आई गोट द टिकट यहाँ पे, 40 रुपीज़ की बेसिकली टिकट है, एंड इसमें सारी जगह कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं लोटस महल, विच इज़ दिस। गाइस ये जो लोटस महल है ये इंडिकेट करता है विजयनगर स्टाइल आर्किटेक्चर को, एंड ये 16th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था, तो बहुत ही प्यारी जगह है देखने के लिए, और इसे कमल महल के नाम से भी जानते हैं, तो एक बार तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा। गाइस नाउ लुक एट दिस एलिफेंट स्टेबल, ओ मैन दिस इज सो ब्यूटीफुल। Gorgeous architecture. This is called Elephant Stable, and ये हम्पी का main highlight है। यहाँ पे आना तो बनता ही बनता है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा gorgeous है यार। I don't know कितने साल पुराना, it looks stunning I mean। गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई बिकॉज ये बहुत ही सुंदर इंस्टाग्रामेबल ये कहूँगी कि प्लेस है, यहाँ पे बहुत अच्छी रील्स बन सकती हैं एंड पिक्चर्स भी बहुत सुंदर आएगी, तो यहाँ पे आप ज़रूर आना जब भी आप हम्पी आएंगे तो। सो पीपल नाउ आई एम एट द फिफ्थ प्लेस, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग फिफ्थ प्लेस है ये। ये है क्वींस बाथ मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये भी बहुत पॉपुलर प्लेस है हम्पी में।
गाइस, सब लंच का टाइम है तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ एक बढ़िया से कैफे में। आपको भी रिकमेंडेशन मिल जाएगी कि जब भी हम भी आएंगे तो कौन से कैफे में विजिट करना है। तो एक कैफे आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे लंच करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। सो गाइस, नाउ वी आर एट वन कैफे, हम्पी ऑर्गेनिक कैफे करके नाम है। बहुत ही सुंदर जगह है, बट ये है कि अभी के टाइम में खाली पड़ा है। आई थिंक टूरिस्ट कम है मे बी इसलिए। सो अब इतना घूम घूम के थक गए थे तो लंच का टाइम है तो अभी यहाँ पर लंच कर लेते हैं एंड देन बाकी की जो प्लेसेस है मेरे डे वन की आइटनरी की वो लंच करने के बाद कवर करते हैं। प्लेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कैफ़े, क्योंकि हम्पी में नॉर्मली इतने कैफेज नहीं है। आप मतलब हम्पी के बेसिकली दो साइड है, एक रिवर के इस पार की, एक रिवर के उस पार की। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी हिप्पी आइलैंड के बारे में भी, जो डिमोलिश्ड हो चुके हैं अब। एंड बेसिकली वहाँ पर बहुत सारे कैफेज थे, अब तो वो भी नहीं है। जस्ट लुक एट दिस, मैंने यहाँ पर वेज थाली ऑर्डर की है एंड इट लुक्स अमेजिंग। Wow. The cafe is so beautiful and peaceful at the same time. गाइस, मंदिर तक जाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कार दिख रही है उसमें चले जाओ, आई थिंक 10 या 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, या पैदल भी आप वॉक करके जा सकते हो। अब इतनी धूप है, आई थिंक हमें यही करना चाहिए। गाइस ये देखो, ये जो हमारे 50 रुपीज़ की जो करेंसी है, इंडियन करेंसी है, ये जो नोट है इस पे, ये देखो ये लिखा भी हुआ है हम्पी। छोटे से अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, हम्पी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये रहा वो मॉन्यूमेंट, ओ माय गॉड, देखो जो इस पे है। एंड हम यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। ओके पीपल, सो यहाँ पे आप गाइड भी कर सकते हो। गाइड के चार्ज है यहाँ पे 200 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ यहाँ पे अगर आपको गाइड को देना दे सकते हैं हिस्ट्री जानने के लिए। बाय द वे, मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे 50 रुपीज़ की इंडियन करेंसी पे जो पिक्चर है वो ये हम्पी की है। तो ये है विजय विथाला टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस है एंड इसको कैसे मिस कर सकते हैं यार। हम्पी आओगे तो यहाँ तो आना ही आना है आपको। एंड जो हमने टिकट ली थी, जहाँ हमने वो जो था लोटस टेम्पल वो कवर किया था, 40 रुपीज़ की टिकट मैंने आपको जो दिखाई थी पहले, वही आपको यहाँ पे शो करनी है। वो मतलब आपको कोई यहाँ पे अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 40 रुपीज़ की जो टिकट आपने वहाँ पे ली थी, उसकी यहाँ की एंट्रेंस भी उसी वाली टिकट में इंक्लूडेड है। तो ये मुझे आपको बताना था, तो उस टिकट को संभाल के रखना है आपको, उसको घुमाना नहीं है वहीं पर ही। गाइस, शाम का टाइम हो चुका है और अब मैं आपको लेके चलती हूँ बहुत ही सुंदर सा सनसेट दिखाने के लिए। आपको भी आइडिया मिलेगा कि हम्पी में कहाँ आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। गाइस, वी आर एट द टॉप एंड यहाँ से भी देखो कितना सुंदर नज़ारा है। Here I am waiting for the sunset, for the beautiful sunset. And मेरे पीछे मतलब कुछ पीछे लोग बैठे हैं, कितने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लगा रहे हैं ना ये 90s के। ओहो, लेकिन मेरी पूरी फेवरेट लिस्ट है, प्ले लिस्ट है म्यूज़िक की, एंड वही सॉन्ग्स यहाँ पे चल रहे हैं एंड पीछे सनसेट हो रहा है। इतना ब्यूटीफुल व्यू है, इतना सुंदर नज़ारा है, इतने अच्छे सॉन्ग्स हैं। सो पीछे सनसेट हो रहा है, इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड। मेरा डे वन इन हम्पी इस तरह गुजरा, आपने देखा ही था, बहुत ही हैपनिंग था। हम्पी बहुत ही सुंदर जगह है एंड आई कांट वेट फॉर टुमारो, जब मैं डे टू बेसिकली मेरा होगा हम्पी में और मैं और जगहों को एक्सप्लोर करूंगी। आई होप गाइस आपको बस मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग विद दिस अमेजिंग व्यू। टेक केयर।